अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो हेलो, आपकी तबीयत ठीक है? या आई एम फाइन। से बात हो रही है हमारी? यस मैम, आप डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा मैम, हम आपकी रील्स देखते हैं मैम, दे आर लाइक आई कांट टेल यू, इतनी मतलब मेरे पास एक्चुअली, मैं बताऊं आपको, शब्द ही नहीं है मेरे पास में कह पाऊं मैं। थैंक यू सो मच, आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। आई यू नो आई वांटेड टू जस्ट स्पीक टू यू वंस एंड टेल यू दिस। थैंक यू। आपकी जो रील्स होते हैं ना, इतनी इतनी अरे इट्स ओके, यू कैन से इतनी घटिया और वाहियात होती है ना, मैं क्या बताऊं, मतलब इतनी खराब रील्स मैंने जिंदगी में नहीं देखी, मेरे को वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो गया मेरे को 3 बार आपकी रील्स देख देख करके। व्हाट द हेल। हेलो, हां जी बताइए, क्या है ये? ये इतनी देर से आप थैंक यू कह रही थी, अभी जब सच्चाई बोल दी तो आप बोल रही शट द। अरे तो नहीं पसंद तो मत देखो ना भी, शट अप। मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है बयां कर पाने के लिए कि इतने घटिया होती हैं आपकी रील्स। शट अप, कीप द फोन डाउन, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। दीदी को सो। हेलो हेलो, यस मैम, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मेरा एक इवेंट कंपनी है, एक्चुअली वी वांटेड टू यूज कंटेंट क्रिएटर्स फॉर आर इवेंट्स, सो वी केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, तो आपके साथ ना थोड़ा रील्स बनाने हैं हमारे एक इवेंट का, सो 18 रील के हम 50,000 दे रहे हैं। ओके दैट्स ग्रेट। हाँ तो आप हाँ बोलिए, कंटेंट क्या होगा लाइक? हाँ जी, क्या बोला आपने मैम, कंटेंट क्या होगा, एक बार दोबारा बताइएगा क्या? अरे मैं पूछ रही हूँ कंटेंट क्या होगा। इसमें हंसने वाली क्या बात है। एक बार और बोलिएगा कंटेंट। एक मिनट सुनिए, क्या है ये? मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी रील्स में हमने कभी कंटेंट देखा नहीं है, आपके मुंह से सुन के हमें अच्छा लग रहा है, एक बार दोबारा बोलिएगा कंटेंट। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। Shut up. Hello. Hello. Yes. Oh my God, am I talking to? Yeah. Oh my God, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Oh, that's sweet. Thank you. मतलब मैं ना हर आपकी रील पे जाके लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ। That's sweet, thank you. आप आज ना, मतलब मेरी आपसे बात हो रही है, so I thought, क्या मैं एक फेवर आपसे मांग सकती हूँ, एक छोटा सा फेवर? Yeah, sure. क्या आप मेरे लिए 4-5 रील्स बना देंगी प्लीज? बिल्कुल। एक्चुअली यू नो द पर्पस इज कि मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी चाहिए, तो अगर आप मेरे लिए 3-4 रील्स बना देती ना, तो मतलब इट बी जस्ट मुझे ना अपने गाँव जाना है, यू अंडरस्टैंड, तो रील्स आर रिक्वायर्ड। गाँव जाना है, रील्स रिक्वायर्ड, ऑफिस से छुट्टी जी। एक्चुअली नो नो, आई विल टेल यू, क्या ना, आपकी रील्स देख करके इनको बुखार आ जाएगा दीदी, और बुखार आएगा तो ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी ना इनको। क्या दिमाग खराब हो रखा है तुम लोग का, कौन हो यार, क्या है ये सब। मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। यार आपकी रील एक्चुअली में अच्छी होती है, बट हम मजाक कर रहे थे आपके साथ में, वी आर जस्ट पुलिंग अ प्रैंक ऑन यू, थैंक यू सो मच। आप बनाते रहिए ऐसी रील्स, ठीक है, लेकिन कभी कंटेंट भी बना लेना। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू, whoever you want, जिनकी देखते हो आप, बजाते रहो। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का मैडम, आपका साड़ी थोड़ा सा उठा लीजिए। क्या?
आपका साड़ी थोड़ा उठाएंगे? आप क्या थप्पड़ खाएंगे? कौन है आप? ऐसे बदतमीजी करे मेरे साथ? साड़ी उठाएंगे आप? चुप रहिए आप। साड़ी तो अपना उठाइए पहले, ठीक है? रखिए फोन, हम बात नहीं करेंगे। रखिए फोन। क्यों, क्या हो गया? कौन इतना बदतमीज इंसान है आप? थोड़ा सा उठाइए बस, थोड़ा सा। सुनिए ना, थोड़ा सा साड़ी उठाएंगे आप? पुलिस बुलाएंगे हम। रखिए फोन। हेलो हेलो मैडम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मेरे साहब को तकलीफ दिया मैडम। कौन से साहब को? कौन बोल रहे हैं आप? मेरे साहब ने आपको कॉल किया, बोला थोड़ा साड़ी उठा लेने को, आप गाली दिया आपने उसको। एबार किंतु अपना देना सवाई के एकदम कोमरे दोड़िए दे जेले पाठो। के फोन करते मैडम? मैं आपका तकलीफ समझता हूँ, लेकिन आप हम लोग का तकलीफ भी तो समझिए, थोड़ा सा साड़ी उठा लीजिए। आप फिर से वही बात करें, आप इतना घिलौना बात कैसे कर सकते हैं? मैडम देखिए, आपको भी तकलीफ नहीं होगा मैडम, थोड़ा सा तो उठा ही सकती है ना। लोकेलिटी में आइए ना, आपको हम देखते हैं। आप कौन है? कौन? अरे हम जो भी है, बस इतना कह रहे हैं थोड़ा सा साड़ी उठा लीजिए, इसमें तकलीफ क्या है आपको? अभी अभी आपका ना हड्डी बस ये कर देंगे हम। रखिए फोन। हेलो मैडम। हेलो। आपके नीचे में जो पड़ोसी है ना, उनके घर से बोल रहे थे, आपकी साड़ी बालकनी से लटक रही है वो नीचे तक, इसीलिए कह रहे थे साड़ी थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। अरे यार। अरे नहीं, लेकिन मेरे तो बालकनी से कोई साड़ी लटक ही नहीं रहा। तो मैं कौन सा आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ? मैं तो आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मैं मुर्गा बना रहा था मैडम, थोड़ा साड़ी उठाएंगे फिर पड़ेगा आप लोगों को थप्पड़। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का हेलो जी नमस्कार, मैं फोन से बोल रहा था। बताएं। सर हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, मुहावरा कंप्लीट करें और एक एक मुहावरे के बदले आपको 100 रुपए का रिचार्ज फ्री मिलेगा, क्या आप इस कंपटीशन में भाग लेना चाहेंगे? मुहावरे तो पता ही है, हाँ पूछो बताओ जल्दी करिए। हमें अनुमति देने के लिए सर अपने फोन पर एक दबाएं। पहला मुहावरा है अपने किए किराए पर डैश फेर देना, पानी फेर देना। मुबारक हो सर, आप 100 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं। अबे जब पता ही है तुमको, अपने किए किराए पर पानी फेरना होता तो साला फेरते काहे नहीं हो बे? ये कौन है, ये कौन है? हेलो, कौन बोल रहा है पीछे से? अबे चुप साला। हेलो, क्या बोल रहा है ये? कोई नहीं है सर, सिर्फ आप और मैं ही बात कर रहे हैं। अरे मैंने बड़े मुहावरे आते हैं। ये फिर बोला, कौन है ये? सर आपके कान बज रहे होंगे सर, 200 रुपए के रिचार्ज के लिए क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? मैं खेलूंगा, लेकिन कौन बोल रहा है? इसका भाव पहले ठीक है। अबे तब क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा, दिमाग मत खराब करो। अगला मुहावरा सर आपके लिए ये रहा, अपने पैरों पर डैश होना, अपने पैरों पर खड़े होना। सर मुबारक हो, आप 200 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं सर। अरे अरे थैंक यू। जब अपने पैरों पर खड़ा होना आता ही है, तो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने किए कराए पे पानी क्यों नहीं फेरते हो बे? बोल कौन रहा? अबे ऐसी तुमको 100 चीज सुनाई नहीं मिलता है, एक ये चीज बोला तो सुनाई मिल गया है? गाली गलौज क्यों कर रहे हैं सर आप? मैं खड़े करके मार दूंगा उसी को। अबे दाब चला, बिठाए रखे हो तुम। गाली गलौज का इस्तेमाल ना करे इस कॉन्टेस्ट में सर। अरे तो पीछे से, अरे इसका मुंह ही टट्टी वाला है, गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? तो हमारे यहाँ से तो कोई कुछ बोली टट्टी। तीसरा मुहावरा ये रहा, मुहावरा की पहले बताओ दूंगा मैं से कौन है। एक मिनट सर, हमको लग रहा है कि आप बिना मतलब हमसे बहस किए जा रहे हैं सर। 200 रुपए का रिचार्ज आपको मिला था सर, हम वापस ले लेते सर ये आपसे। सुनो जी बताइए। आया ना लाइन पे, मैं इसको समझा लो पहले। सर एक मिनट सर, यहाँ पर कोई नहीं है। तीसरा मुहावरा सर आपके लिए, एक अनार कितने बीमार? एक अनार 100 बीमार। सही जवाब सर, 300 रुपए का रिचार्ज आप जीत चुके हैं। एक बार नहीं, 100 दफा बोला, 1000 दफा बोला, लेकिन फिर भी तुमको समझ में नहीं आता। काम तुमको वही करना, अपने किए कराए पे पानी तुम कभी नहीं फेरोगे। तुमको तो वही करना आता है। आप बिना मतलब की बात किए जा रहे, गाली गलौज किए जा रहे सर। 300 रुपए आपसे वापस ले लिए जाएंगे। समझाओ उसको, ठीक है? किसको समझाऊं सर, समझाने वाला कौन है? मनोवैज्ञानिक को दिखाइए आप, पागल हो गए? 1000 रुपए काटो इसके, 1000 रुपए मैं तेरे काट दूंगा। हम आपके साथ में ये कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते, आप हमारे साथ में गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो। हेलो, जल विभाग से बात कर रहे हैं? जल विभाग से, हाँ बताएं, क्या काम है? मित्र ने हमें बताया कि आप जल के संरक्षण के प्रति, यानी कि जल को बचाने के प्रति बहुत जागरूक हैं, और हमारा एक जल महोत्सव होने वाला है, तो वहाँ पर हम आप ही के जैसे बहुत सारे लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पानी बचाते हैं। ये तो सही आपने सुना जिसने बताया, क्योंकि हम तो बहुत पानी बचाते हैं, नहाने के बाद प्रॉपर नल वगैरह बंद करते हैं, एक मग्गे में सारा काम करते हैं। ये करना भी चाहिए, देखिए पानी आज नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम पे हमें पानी नहीं मिलेगा ना हमारे बच्चों। सही बात है, लेकिन इतना भी क्या पानी बचाना कि टट्टी करने के बाद में इंसान फ्लश ना करे? टट्टी करने कैसी बातें कर रहे हो? आपने कभी अपने किए कराए पर पानी फेरा है? आया ना लाइन पे, अपने किए कराए पे पानी फेरा है कभी? करिए तो सर, जगह चले जाते हो, पानी नहीं फेरते हो तुम।
दूंगा तुम्हारी भाई, मुंह पे हक दूंगा मैं तेरे, और पानी भी नहीं डालूंगा। कौन बोल कौन रहे हो तुम? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे आपके दोस्त के कहने पर, जिन्होंने बताया कि आप टट्टी करने के बाद में फ्लश नहीं चलाते हैं। अरे यार, दूसरों का जीना क्यों दुर्लभ कर रहे हैं आप? अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक दो बार मेरे साथ गलती से ऐसा हो गया। एक दोस्त का नाम बताओ। गिनती के आपके 3-4 दोस्त है, सोच लीजिए कौन कर सकता है आपके साथ में ये काम। ये बेइज्जती हो जाएगी यार। वो तो ऑन एयर होगी सर। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का तिवारी जी से बात कर रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहा है? जी मैं दुबई के एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ से बोल रहा हूँ, उनके ऑफिस से। दुबई से? जी जी, तो बताइए। बालू का काम करते हैं ना? हाँ, बालू का तो काम करते हैं। हमारे जो मालिक हैं उनको बालू की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर देना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि वो थोड़ा सा सुर में आपसे बात करेंगे, और आपको भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो सुर में ही रिप्लाई देना पड़ेगा। फोन ट्रांसफर कर रहा हूँ सर, आप जरा उनसे बात कर लीजिए। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग। खबर है बीवी बच्चे कैसे हैं? शादी नहीं हुई हमारी। बाखर नपुंसक है? क्या आप नपुंसकता के शिकारी हैं? अरे यार क्या अजीब आदमी, पागल है क्या? मैं बोल रहा हूं ये बड़ा पर्सनल हो जाते हैं। जबखर हुआ, नो पर्सनल क्वेश्चन। तमल्ली मा वला हवा ला खबर बी दिल दी हवा। एक ट्रक का कितना लेंगे आप? 3000 रुपए पड़ेगा। ताबर खरीद ना दी खुद निकावा। 300 ट्रक। 300 ट्रक बखी वख में गाना गा करके जवाब दीजिए। 300 ट्रक भी हो जाएगा। मोनी मोनी खबर। कितना पैसा लेंगे आप? 300 ट्रक का 9 लाख रुपए लगेगा। ये बोल रहे हैं साथ में आप भी आएंगे क्या? मतलब सर थोड़े रोमांटिक मूड में चले गए, आपकी गायकी से उनको प्यार हो गया है। आप हम डिलीवरी करवा देंगे, जगह बताइए हमको। अरे सर आपकी भी डिलीवरी करा देंगे, इतना दम रखते हैं, बहुत खजूर खाया है सर ने। हमको सब समझ में आ रहा, डबल मीनिंग बातें करो तुम। फोन रखो। बोल रहे बालू में आप ऐसे लेटे रहेंगे और शेख साहब आएंगे। तम्बाकू तम्बाकू जमा करके प्यार करेंगे। तम्बाकू इज इंजरीज टू हेल्थ बोल रहे हैं। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे यार मुर्गा, हमारे घर वाले ऐसी जान खा रहे थे तुमको, सुबह सुबह हमको मुर्गा बनाने। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का Hello? Hi ma'am, I'm calling you from iPhone. कैसी हैं आप? Yeah, I'm fine. I'm talking to Gargi, right? Yeah, yeah. तो जो हमारे कैमरा के फिल्टर्स वगैरह हैं, वो कैसे लग रहे हैं आपको? They are amazing. I mean, seriously. ये जो फिल्टर्स का आप इस्तेमाल कर रही हैं, इनकी भी एक लाइफलाइन होती है, जिसके बाद में आपको इन फिल्टर्स को रिचार्ज कराना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, आपके फोन से ये सारे फीचर्स हट जाएंगे, ये फिल्टर्स वाले। Hi, I'm getting to hear this for the first time. I mean. आप बहुत सारे फिल्टर्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे क्रोम, फेड, नॉयर एंड पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड कर रही हैं। सो इट्स टाइम टू रिचार्ज। ऐसा थोड़ी My friends, they were using. अरे ऐसा होता है मैडम, जब हम आपको बोल रहे हैं। Why are you shouting? Like I'm talking to you in. अरे मैं आपको समझा रहा हूँ। एक मिनट, you listen to me. अरे बदतमीजी है आपकी। बदतमीजी? हेलो मैडम, एक तो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं आप। फिल्टर कॉफी में फिल्टर कॉफी के पैसे देने पड़ते हैं, फिल्टर ऑफ वाटर लेते हैं तो उसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जो फिल्टर आप इस्तेमाल कर रही हैं आईफोन में, इसके भी पैसे देने पड़ेंगे आपको। सर इनका डेबिट कार्ड लिंक्ड है, काट लो पैसा। हाँ काट ले, 500 पुराना और 500 अभी का। तू सारा पैसा काट के देगा पहले। हमारे ऐप का इस्तेमाल करके फोटोज अपलोड कर रही है फेसबुक पे, और वहाँ से मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स निकाल रही है। आपके फिल्टर यूज करके मैं यहाँ पे खूबसूरत नहीं बनी, आई एम बॉर्न ब्यूटीफुल। बॉर्न ब्यूटीफुल। सुनिए मैडम, डायना पेंटी की पट्टी भी ना आपसे ज्यादा खूबसूरत है, और दांतों के मसूड़े देखिए ना, माइंड योर लैंग्वेज, उनकी तस्वीर भी आपके शक्ल से ज्यादा अच्छी आएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन से आप पैसे वैसे काटने की कोशिश कर रहे हो ना। क्रोम फिल्टर जो है वो लास्ट स्टेज में है, मरने वाला है, इतना इस्तेमाल कर रहा है। आपकी शक्ल से ज्यादा खूबसूरत स्टूडेंट के एड में जो कीड़े आते हैं ना दांत के, वो ज्यादा खूबसूरत है। सीरियसली आप
शादी करने के लिए पैसे दिए जाते हैं क्या वहाँ पे? मैं खूबसूरत हूँ मैम. व्हाट डिड यू से इन बिटवीन? यू आर बॉर्न ब्यूटीफुल. नो डाउट. हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे. आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेड एफएम 93.5. मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था. प्रवीण दिमाग खराब करके रखते यार. सडन आई डाउटेड ऑन व्हाटएवर माय ब्यूटी इज. नहीं नहीं खूबसूरत है तू. खूबसूरत है यार. हर लड़की खूबसूरत होती है. हम तो बस मुर्गा बना रहे थे. 93.5 रेड एफएम पे प्रवीण का नमस्कार सर. हम फोन की तरफ से बात कर रहे थे सर. आपके मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा लिया है. मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से? पोस्टपेड कनेक्शन जिनका भी है उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक किया जा रहा है. सो अगर सर आपका आधार नंबर अभी है तो हमें बता दीजिए. 3248. आपके फोन को मैं जरा सा होल्ड पे रख सकता हूँ? ठीक है ठीक. बहुत बहुत शुक्रिया सर होल्ड पे रहने के लिए. हाँ हाँ. मैं देख पा रहा हूँ सर आप वीडियोस देखने के बड़े शौकीन हैं. यूट्यूब पे कभी कभी कुछ वीडियोस देख लेते हैं सर. मैं वो कंटेंट वाले वीडियोस की बात कर रहा था. नहीं नहीं हम नहीं देखते. वो हमारे दोस्त लोग हैं ना वो रूम पे जाते तो शायद वो लोग मोबाइल जो है वो. वैसे भी हमारा एक ऑफर. क्या दिक्कत क्या इसमें आप ये बताएं. हमारा एक ट्रायल पैक आया है जिसमें आप ये सारे वीडियोस फ्री में देख सकते हैं. 30 दिन के लिए हसीन दर्द आप बिल्कुल मुफ्त में देख पाएंगे. इतना फ्री एकदम. तो आप भाई साहब एक्टिवेट कर दीजिए फिर. आधे घंटे के अंदर में ये सर्विस आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएगी सर. ओके ओके थैंक यू. हेलो. ऐसी नजर से. हेलो. देखा एक जालिम ने बाथरूम में बैठ कर हमने कैमरा. बड़े बदतमीज आप बोल रहे. कौन है? कौन बोल रही है? मैं ना आप गलत नंबर मिला दिया आपने किसी और को. पर कौन बोल रहा है भाई? आपने मेरा वीडियो देखा? कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? लेकिन आपको नंबर कैसे मिल गया? हमने वीडियो तो देखा था. आपने वीडियो देखा? आपका नंबर ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया. तो आप अपना नंबर व्हाट्सएप पे है तो दीजिए फिर थोड़ा सा. आपने मेरे वीडियोस की अदायगी देखी किचन के? अरे बहुत बहुत सही देखी. उसका लिंक भी शेयर किया दोस्तों को. रिवाइंड फॉरवर्ड कर करके देखिए. अभी अभी थोड़ा सा ऑफिस में हम और आसपास लोग जो है वो थोड़ा सा गलत समझेंगे. तो अगर आप इत्मीनान से हमें कॉल करें रात को 10-11 बजे. डाका कौन ना हमारे साथ की हुए थे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या भाई. मालो लग रहे तो. अरे भाई बंगाली मुझको नहीं आती. विक्टोरिया नहीं है जब वो घोड़ा और पीठे चढ़ो हमारा. विक्टोरिया में वहाँ मिलेंगे आप क्या? टिक 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 टिक. तो आराम से बात करते हैं ना अपन लोग. आए तो एक चापी आए. एक दिन होल्ड करेंगे. मैं बाथरूम में जाके बात करता हूँ आपसे. हाँ अब बोलिए ना. अभी क्या पहने हुए हो? फॉर्मल कपड़े पहने. बाथटब है आपके ऑफिस में? किसके ऑफिस में बाथटब होता है यार? कमोड है. हाँ बैठ जाइए. बैठ गया. बताओ ना आप क्या करना है. एवर है के मोड़े जा. क्या बदतमीजी है ये? फोन पे लड़की की हाय सुनने के साथ ही बाथरूम में क्या करने चले गए भाई? तो मेरे को ये बताओ पहले ये कौन बोल रहा है? अच्छा लड़की को क्या बोले थे? कमोड पे बैठ गया. आप क्या करूं? मुझे लगा क्लाइंट कॉल है मैं इसीलिए. हेलो नमस्कार मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 सर. आपका मुर्गा बनाया जा रहा था यार. प्रवीण भाई इस जालिम ने. दीदी गलती हुई. दीदी कब 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 कभी भी ऐसी गलती होगी दीदी. दीदी हेलो. हेलो क्या? हाय हाय. अच्छा सुनो तुम्हारे आसपास तो कोई नहीं है ना अभी? नहीं. तो सुनो अगर 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 मैं अगर अगर मैं आज 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 रात रात आज रात सुन रहे हो ना तुम? अगर मैं आज रात हाँ? अच्छा कोई नहीं चलो मैं शुरू से पूछती हूँ. अगर मैंने सुन लिया था अगर मैं आज रात अगर मैं आज रात देखो तुम ध्यान तो दे रहे हो ना सही से सुन रहे हो ना? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ. अगर मैं आज रात
सो अगर मैं आज रात आसपास कोई नहीं है ना पक्का? नहीं नहीं नहीं, अगर मैं आज रात नहीं, वो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाऊंगी, बोल नहीं पाऊंगी, वो जो बात है, एक बार चेक कर लो प्लीज। कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है, अगर मैं आज रात। अच्छा ठीक है, तुमने सुन लिया है, फिर भी कंफर्म कर रही हूँ। सो अगर मैं आज रात, यार मूड मत खराब करो, मूड खराब हो रहा है, अगर मैं आज रात, अगर मैं आज रात। तो मैं बोल रही थी ना कि अगर मैं आज अगर मैं आज रात, पता है मुझे आगे आगे, हाँ तो अगर मैं आज रात अपने कमरे की लाइट बंद कर दूं, अपने कमरे की लाइट बंद कर दूं, हाँ कर देंगे, कर देंगे। तो अगर मैं आज रात, आज रात अपने कमरे की लाइट बंद कर दूं, लाइट बंद कर दूं, तो बड़ा शर्मा क्यों रही है? तो सीधा पूछना, ये बड़ा पूछ रही है ये बेटिया मेरी, अगर ये अपने कमरे की आज रात लाइट बंद कर दे तो कल की तरह तो ऐसा नहीं होगा कि फ्यूज उड़ जाए? आप इलेक्ट्रिशियन बोल रहे हो ना, आप आ सकते हो रात में फिर? एक तो बेटा तू शर्माया मत, तू पूछ ले ना, मैं कब से सुन रहा हूं, कब से सुन रहा हूं। भाई साहब आप आ सकते हो फिर, क्योंकि इसकी कमरे की चली जाती है। हेलो इलेक्ट्रिशियन भाई साहब, हेलो इलेक्ट्रिशियन भाई साहब, पापा ये नहीं आएंगे लगता है। नहीं आएगा क्यों नहीं बेटा? अंकल नमस्ते, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ। एक सेकंड रुक, दिखा नंबर किसको बुलाया, दिखा। ओह तूने 82 लास्ट में था ना, 28 कर दिया है, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, सॉरी बेटे, सॉरी, वी आर सो सॉरी, सॉरी भैया, वी आर सो सॉरी, सॉरी भाई साहब, सॉरी। हेलो, हेलो पुनीत जी। हाँ जी सर। पुनीत जी ना मोटर से बोल रहा हूँ, मोटर से। अच्छा अच्छा बताइए, आपकी गाड़ी, हाँ मैं यही बता रहा था, गाड़ी मतलब वो ऑन टाइम डिलीवरी कर देंगे हम, तो इसमें फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूँ, और मैं सीधा पंडाल में लेके आएंगे गाड़ी हम ना, आपने कहा था पंडाल में आएगी। ठीक है ठीक है। आपकी शादी के दिन आ रही है ना? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, टाइम पे आने। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने वो चेक भी करवा लिया है सर, वो सारी चीजें तो हैं उसमें जो आपने बताई थी ना। अच्छा, आपने वो कहा था कि सीट कवर लगा देना, सीट कवर लगा दिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। अच्छा इसमें ना, इसमें हमने कुछ एड ऑन किया है कंपनी की तरफ से ना। भाई 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 सुनो सुनो, जो हाँ भी एड ऑन जो भी है ना, ये लेकिन उधर से लेना, लड़की वालों की तरफ से, हमारी तरफ से कोई एड ऑन नहीं है, जो करना नहीं करना, ठीक है जी। नहीं मैं उसके चार्जेस नहीं ले रहे हैं सर, हम एड ऑन वेड ऑन के, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक तो रिबन लगा रहे हैं हम गाड़ी पे। अच्छा, रेड कलर आपने चूज किया था ना? मतलब तो, हमने तो बताया था बस। हाँ तो आपने, हाँ बिल्कुल आपने उनको बता दिया था। अच्छा बिल्कुल, जहाँ पे आप और आपकी दुल्हन बैठे होगे, बिल्कुल वहीं पे लगवा दूँ लड़के से कह के, सीधे शोरूम से जहाँ बैठे होगे? हाँ बिल्कुल, स्टेज के सामने लगवा दूँ ना? स्टेज के सामने तो मतलब अच्छा लगेगा, स्टेज के सामने लगता है सर, देख लेना, सबको पता चलना चाहिए ना, देखने में भी तो अच्छी लगेगी ना। सर इसमें मैं ये आरसी तो आपके नाम की बन रही होगी या वाइफ के नाम की? नहीं 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 भाई, लड़के के नाम पे होनी चाहिए ना, आदमी के नाम पे होनी चाहिए, कल को प्रॉब्लम हो तो हम जाएंगे ना, मेरे नाम पे होनी चाहिए। अच्छा लेकिन पैसे तो वो देके गए थे ना, वो आपके ससुर लगते है ना? हाँ जी ससुर लगते हैं मेरे, अब हमने तो कहा था कि जी की गाड़ी तो हमें अच्छी लगती है चलानी, वो दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी। चलो ठीक 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 है ठीक है, मेरे नाम पे जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके नाम पे रहेगी। अच्छा इसमें मैंने एक दो चीज एड ऑन करा दी है, पीछे स्टिकर लगा दिया है मैंने ना गाड़ी के, स्टिकर लगा दिया? हाँ मतलब स्टिकर लगा दिया है, वो होता है ना कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस वो होता है ना थोड़ा लोग। हाँ हाँ हाँ, कोई पैसे ऐसे तो नहीं है? नहीं नहीं पैसे वैसे नहीं। अरे सर हो भी तो सर लड़की वालों को बताने आप, मैं वो बता दूंगा। अच्छा इसमें इसमें एक तो रेड कलर से पता चली जाता है, जैसे ज्यादातर शादियों में रेड ही जाता है सर हमारे यहाँ से भी ना। हाँ जी, इसमें हम ये भी लिख रहे हैं कि ये गाड़ी जो है ये लड़की वालों की तरफ से है, ये लिख देंगे ना, मेंशन कर देंगे। नहीं नहीं ये नहीं मतलब ये समझ रहे हो आप, ये नहीं। तो सर ये तो आप ही कह रहे हो ना, लड़की वालों की तरफ से है। अरे तरफ से है लेकिन मतलब ऐसे लिखना थोड़ी होता सर, मतलब ऐसे तो मतलब फिर इमेज नहीं, मेरे को तो सही लग रहा था, मेरे को, मैं तो बल्कि आगे लिखवा रहा था ये गाड़ी पुनीत की नहीं है, ये लिखवा दूं, ये गाड़ी पुनीत की नहीं है, ऐसे लिखवा दूं तो और किसकी होगी, मेरी तो है, मेरे नाम पे पेपर बनेंगे सर, आप तो मतलब हद ही कर रहे हो। नहीं गाड़ी तो उनकी तरफ से आई है ना, इसलिए कह रहा हूँ।
अरे उनकी तरफ से तो है, लेकिन है किसके लिए? मेरे लिए है ना, तो मेरा होगा ना। हाँ तो ये लिखने दो ना, या तो ये लिख दो, चलो मैं फिर आपकी बात मान लेता हूँ, ये लिख देता हूँ भाई, ये गाड़ी उनकी तरफ से है लेकिन है आपकी, ये क्लियर कर दूं ना। यार अजीब आदमी, मतलब लिखने की मतलब क्या पता है, लिखने की जरूरत क्या है ये बताओ आप मेरे को। तो लेने की जरूरत क्या है यार, मेरे को ये बताओ ना आप, लेने की जरूरत क्या है यार। अरे तो शादियों में होता है ना, मतलब तो शादियों में और भी तो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ ना, ये भी अब होने लगेगा, ये लिखेंगे ना। ये देखो इतनी बड़ी बात है कि ये गाड़ी इनकी है नहीं ये, लेकिन ये ले रहे हैं, ये लिख देते हैं ना हम। अरे यार तो पागल पागल हो गया क्या, ऐसे लिखेंगे क्या? अरे बेइज्जती कराएगा क्या मेरे मोहल्ले में? अरे तो लिखना जब अच्छा नहीं लगता तो लेना भी तो अच्छा नहीं लगता यार, तू भी बेइज्जती करा रहा है क्या यार? हम ओ भाई, तू बेइज्जती क्यों करा रहे लड़कों की? मैं लिखवा रहा हूँ साले गाड़ी पे जाके, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो यार, लिखो, पूरा 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 शोरूम बनाना है, गाड़ी वहां खड़ी कर दो, सामने लगा दो, लाल रंग की गाड़ी, बताना नहीं है, बताना नहीं, जो बात सही है चल रहा है, बात ही नहीं करनी यार, चल रहा बकवास, तेरी शादी कैंसिल करा दूंगा मैं किसी दिन, सही बता रहा हूँ, चल यार मेरे को बात नहीं करनी। हेलो हिमांशु जी, अगले महीने शादी? अरे अगले महीने शादी, तैयारियां चल रही हैं जी। टिप्स दूं? टिप्स दूं? हेलो टिप्स दूं? टिप्स दूं? एक्सपीरियंस हैं हम, इसलिए कह रहे हैं दूं। बता दे देख, तूने भी सुना होगा, लोग भी कहते हैं कि शादी के बाद दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ ऐसा बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि एडजस्ट सिर्फ तुझे करना पड़ेगा, हम करते हैं ना एडजस्ट, ऐसा थोड़ी है उनके हिसाब से चल रही है हर चीज, अरे एडजस्ट हम कर रहे हैं यार। अब हो सकता है शादी के बाद तुझसे वाइफ कहे कि दोस्तों में गए थे 10:30 बजे, क्यों आए रात में, है ना? और क्या भाई, मेरे भी तो कुछ। हाँ तो तू 6:30 बजे, तू शाम में ही 6:30 बजे, जब हम आएंगे ना 6:30 बजे, जब 6:30 बजे आ रहा है इंसान, किसी का बाप नहीं कह सकता कि 10:30 बजे क्यों आए। ये लोगों ने वो बना रखे हैं, और डर रहे हैं, अरे क्यों? और भाई बात सुन ले, मैं कुछ अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ सच्चाई बताना चाहता हूं, ये ना लोगों ने खामाखे की बातें बना रखी है शादी को लेकर। अब जैसे मान ले सॉरी की बात है कि सॉरी कौन पहले बोले, है ना, ये होता है कि ना सॉरी कौन पहले बोले, इसके चक्कर में तलाकें हो गई हैं। हाँ भाई ये तो तू बोल दिया, सबसे पहले सॉरी बोल, तू सबसे पहले सॉरी बोल दे, दूसरे को मैम मौका ही क्यों दे यार इतना। और सुन भाई, तूने ये भी सुना होगा कि गलती दोनों तरफ से होती है, और सही बात है, लेकिन एक बात याद रखियो, अगर गलती वाइफ से हुई है, बीवी से अगर गलती हुई है, तो भाई बीवी तो तू पहले ही सॉरी बोल दे, वहां तक बात ही मत जाने दो, तू पहले ही सॉरी बोल ना, खत्म कर दी हमने, हमारे पास साफ बात बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है इतना, बोल दे तू 2 मिनट में, कहते गलती मेरी है, गलती मेरी है, बात ही आगे नहीं बढ़ रही। तू ये देखना कंट्रोल कितना है हमारे हाथ में, सारा कंट्रोल हाथ में कर रखा है हमने, हम बात ही नहीं बढ़ने दे रहे ना, कह दिया थीड़ो का, मेरी गलती है, आज 7 साल हो गए इस शादी को, एक दफा नहीं बोलने दिया मैंने उसको सॉरी, अरे हम है ना लेंगे पूरा अपने ऊपर। और बात सुन भाई, एक चीज और याद रखियो, मां को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है घर में, ठीक है, मां को लेके हमेशा प्रॉब्लम होती है, लेकिन रुकना नहीं है, मां आएंगी रहेंगी, यही खाएंगी यही सोएंगी, ये तो पहले क्लियर कर दिया, और क्लियर कर दो, सासू मां जाएंगी भी कहां जा सकती है सासू मां, तू तो कहते मेरी सास है यही रहेंगी। बिल्कुल। और भाई देख ये भी सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, वाइफ की तरफ से हर दूसरे दिन का ये होगा बाहर खाना खाएंगे, हर दूसरे दिन का, ये भी गलत है। हाँ तो तू तीसरा दिन रखियो, तो तीसरा दिन रख, तू अपने चॉइस के 3 दिन निकाल लो हफ्ते में से कोई भी, ऐसा नहीं है, ये लोगों ने खाली डरा रखा है, एक एक हवा बना रखा है शादी का। और भाई सुन, ये थोड़ा पर्सनल है लेकिन बात मान, सैलरी बताने की जरूरत नहीं है वाइफ को, सैलरी पे बता दो, हाँ सीधा बैंक में ट्रांसफर करना, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको भी टाइम बच रहा है, बैंक में क्रेडिट हो गया, आ गए पता चल गया, हम क्यों बताएं, हमने पूरी दे दी। सुन इन बातों से डरियो मत, ये लोगों ने वो बना रखा है यार, शादी बहुत अच्छी चीज है, और मुझे बहुत खुशी है यार तेरी शादी की, बहुत खुशी है, ठीक है? ठीक है भाई, शादी में आना आप और भाभी को लेकर आना, मैं पूछता हूँ, ठीक है भाभी से, तेरी वाइफ से पूछता हूँ, अगर अलाउ किया तो आता हूँ मैं, ठीक है, अलाउ करते बस, ठीक है, ओके भाई। हेलो आमिर भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? आमिर भाई मैं जुनैद का चचा बोल रहा हूँ, जुनैद जिनके वलीमे में खाना बना रहे हैं आप, तो
तो मेरी आपसे बात नहीं हुई है, बल्कि वो मैं जब आया, मैं असल में मेरठ रहता हूँ, तो मैं दिल्ली आया तो मैंने पूछा भाई खान साहब कौन है, तो उन्होंने बताया आमिर भाई हैं। तो कैसे मिजाज हैं आमिर भाई आपके? जी एकदम अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा आमिर साहब जरा एक बार, क्योंकि रात बात हो रही थी मेरी जुनैद से, जुनैद के अब्बू से भी, मेरे भाई लगते हैं जुनैद के अब्बू, तो आप मेन्यू जरा मुझे बताएंगे क्या क्या चीज़ें लिखवाई, क्योंकि हमने थोड़ा सा फेर बदल किया है मेन्यू को, चेंज किया है, तो क्या क्या लिखवाया था आपसे वली में? एक मिनट बस अभी निकालता हूं। जी निकालिए निकालिए जी, बताइए क्या क्या लिखा था? चिकन कौरमा, चिकन कौरमा हो गया, मटन कौरमा, अच्छा मटन कौरमा भी लिखवाया, ठीक है, बिरयानी चिकन, चिकन बिरयानी जी, न्यारी, अच्छा नहारी भी लिखी है क्या भाई ने? चलिए मेरी बात नहीं हुई थी असल में, जी 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 जी, अच्छा नहारी भी कर दी, अच्छा ठीक है, और नहारी के बाद क्या लिखवाया? स्टू लिखवाया जी। ये भाई को क्या हो गया है यार, जब चिकन कोरमा मटन कोरमा कर रखा है, नहारी भी कर रखी, तो स्टू की जरूरत क्या थी यार? और स्टार्टर में लिखवाया था जी चिकन टिक्का कबाब। एक सेकंड रुकिए, चिकन टिक्का लिखवाया, कबाब लिखा है, जब चिकन टिक्का दे रखा है, कबाब की जरूरत क्या थी? अच्छा और जी चिकन सीख कबाब भी है जी, चिकन सीख कबाब लिखवा रखे हैं, अच्छा और इसके अलावा? और जी मीठे में है रसमलाई, मीठे में रसमलाई तो सही कर दी इन्होंने, जी 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 मुझे ही पसंद है, और गाजर का हलवा भी है जी, गाजर का हलवा और गुलाब जामुन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे यार अच्छा अच्छा, चलिए रोटियाँ, खमीरी रोटी और तंदूरी रोटियाँ, खमीरी और तंदूरी, हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं ये एक काम करिए आप आमिर भाई, मैं ज़रा इसमें मेरी बात हुई थी जुनैद के अबू से, इसमें कुछ चीज़ें फेर बदल करनी है, तो चिकन कौरमा और मटन कौरमा लिख रखा था ना हमने, हाँ जी नहीं, तो आप मटन कौरमा कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ चिकन चिकन रखिए। अच्छा जी आप देख लीजिए कम ना पड़े। नहीं 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 वो देखिए वो ठीक नहीं है ना, बिरयानी आपने और क्या था, बिरयानी चिकन, हाँ जी हाँ जी, आप बिरयानी चिकन हटाइए, हटा दीजिए बिरयानी चिकन, कोई ज़रूरत नहीं है बिरयानी चिकन की, चिकन बिरयानी भी हटवानी है जी, हाँ जी चिकन बिरयानी, क्योंकि फायदा नहीं कोई। अच्छा नहारी, नहारी भी रखी है इन्होंने, हाँ जी बिल्कुल, तो जब स्टू है तो नहारी क्या जरूरत है, आप या तो नहारी हटा दीजिए या स्टू हटा दीजिए, क्या हटाएंगे? मेरे ख्याल से स्टू हटाइए आप, स्टू हटा दीजिए। अच्छा जी तो फिर हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टार्टर में क्या बताया था आपने, चिकन टिक्का कबाब, कबाब हटाइए आप, जब चिकन टिक्का मिल रहा है तो कबाब हटा दीजिए ना आप, कबाब हटाइए, ठीक है हटा दिया आपने। अच्छा मीठे में, मीठे में क्या क्या बताया था इन्होंने, रसमलाई, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। अरे भाई जब मुंह मीठा हो जाएगा पूरा रसमलाई से, तो गाजर का हलवा क्यों खाएंगे भाई, मुंह ही तो मीठा करना है, हैं जुबान को मीठा लगना चाहिए, जब जब गुलाब जामुन है, रसमलाई हटा दीजिए आप, रसमलाई गुलाब जामुन और ये गाजर का हलवा दोनों हटाइए। अच्छा जी और मेरे ख्याल से जब मुंह नमकीन हुआ हुआ है, बेकार में उसको फिर से मीठा करो यार मुंह को, जब नमकीन हुआ हुआ है आप ये भी हटाइए, ये भी गुलाब जामुन भी हटा दीजिए आप। अरे तो मीठे में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मीठे में, बता रहा हूँ ना मैं, इन्होंने बेवकूफ़ी करी है आपके साथ, बता रहा हूँ। रोटियाँ कितनी आप, खमीरी रोटी कह रहे हैं तंदूरी, जब एक रोटी से सालन खा सकता है आदमी, खमीरी हटा दीजिए आप। अच्छा जी हाँ हटा दीजिए, इसको हटाइए। अच्छा आप बचा चिकन कौरमा, ठीक है, और आपका कबाब, तो जब एक चीज़ नॉनवेज हो ही रही है तो कबाब हटाइए ना, जब चिकन कौरमा खा ही लिया तो, ठीक है कबाब हटा दीजिए आप। अच्छा क्या बचा, बिरयानी चिकन, चिकन अच्छा चिकन बिरयानी बची ना, हाँ जी चिकन बिरयानी हटा दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, हटाइए जरा। अरे भाई बचेगा क्या, वही जो बचा हुआ है वही तो बता रहा हूँ ना मैं भी, ये देख रहा हूँ बचेगा क्या, अभी आपका बचा है खमीरी रोटी बची ना, खमीरी है ना, रोटी हटा के देखिए जरा, रोटी हटा दीजिए भाई। ये बताइए आमिर भाई ये पीने में क्या रखा था मेरे भाई ने? अरे भाई पीने में तो पानी है। हाँ तो पानी हटा दीजिए, पानी हटा दीजिए, घर से कभी तो पी के आ सकते हैं, पानी हटा दीजिए है ना, सब हटा दीजिए आप। पागल हो गए हो क्या जी? मैं पागल ही हो गया, ये हो गए पागल, इतनी चीज लिखवा दी है, ठीक है सिर्फ आप मुर्गा रखिए, सिर्फ मुर्गा मुर्गा, चिकन रखिए चिकन, और वो भी खिलाना नहीं है वो सुनाना है, मैं रेडियो मिर्च से नवेद बोल रहा हूँ मैं तो। जिनको कॉल कर रहा हूँ ना इन्होंने मिक्सी ली थी, अब पता नहीं क्यों सर्विस सेंटर पे वापस कर दी, बनाए इनकी जिंदगी में मिक्सर। हेलो ये सर आपने मिक्सी ली थी अभी दो दिन पहले? हाँ 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 मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ सही बोल रहा हूँ, आप सर्विस सेंटर में आपने वापस कर दी, प्रॉब्लम जान सकता हूँ मैं? हाँ एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए,
छोटो मिक्सी उठा के लाओ सर की, मिक्सी उठा के ले आओ सर की, एक सीन इधर रख दो, इधर इधर रख दे, आराम से आराम से, प्लग लगा। हाँ सर बताइए, ये मैंने अभी देखा, ये चल तो रही है मिक्सी? हाँ चल तो रही है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है ना, ये तो चल रही है पूरी। हाँ वो चल तो रही है, लेकिन वो आवाज, हेलो, ये पूरी चल रही है, मैं इसको तीन बार चला के देखा है मैंने। बंद तो कर भाई। हेलो सर बताइए क्या प्रॉब्लम, क्या मैं दोबारा देखने दो, चल तो रही है ये, बताइए। अरे वो ही देखिए चल रही है सर, ये तो चल रही है, बंद करो मोड, उसे बंद करो यार, मिक्सी को अब पूरी चल रही है, बल्कि मैंने इसमें अभी पुदीना मिलाया और इसमें क्या बता सर, गुस्सा हो रहा है सर, ये चल तो रही है, मैंने तो अभी आपकी ये सुनेगा सर, मैं दोबारा देख रहा हूँ, बोलिए बोलिए, ये देखिए चल रही है सर, ये तो चल रही है, तूने चला के देखी थी, मैं कह रहा हूँ, मैं सर को समझा रहा हूँ, हाँ चल रही है, ये चल रही है, मैं बात कर लेता हूँ सर, मैंने तीन बार चला के देखा है, ये चल रही है मिक्सी। सुन मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन, आप ही आप ही सुन रहा हूँ, आपकी जब मिक्सी आई, नहीं बताइए सर, बताइए बताइए, बटन पे हाथ ना जाए अब तेरा, बताइए सर, मेरी प्रॉब्लम जो मैं चला के देखी सर, चल तो रही है, चल तो रही है, छोटे पूरे चला के नहीं, पागल हो गए, इसको चला के देखा करो ना सर, तो वैसे ही तुमने परेशान किया, पूरी चल रही है सर, पूरी चल रही है, हेलो 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 सॉरी सर, वो मिक्सी चल रही थी ना, मिक्सी चल रही थी, कुछ कुछ सुनाई नहीं दिया, असल में ना मैंने अभी 220 में लगा के देखा है, इसमें मिक्सी भी है, जूस भी निकल रहा है, मैं हाथ जोड़ूं तेरे, बात सुन ले पहले, हाँ बताइए, मेरी जो प्रॉब्लम थी ना सर, प्रॉब्लम वही चलाई है, देखिए मैंने फिर चलाई, आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो ये चल रही है मिक्सी, हेलो छोड़ो बंद कर दे सर, की आवाज नहीं आ रही, बंद कर दे, बंद कर दे, हाँ जी सर भाई बात सुन, हाँ जी, पर मिक्सी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जी, बस एक प्रॉब्लम है, अच्छा तो वही प्रॉब्लम देखिए ना, ये आवाज तो पूरे मैंने चला के देखा है, पूरा चला के देखा है, और पूरी छोड़ो बंद करना, छोड़ सर की आवाज नहीं आ रही, बंद कर दो प्लग में से निकालो, प्लग में, हाँ सर आपकी आवाज, आई एम सॉरी, चल रही है, मैं वापस भेज दूं सर, तू दारू पी कर कौन सी वाली की है मुझे बता दे भाई, बताइए सर, बताइए बताइए, कुछ और प्रॉब्लम भी है, तू मतलब मेरे तो तूने आवाज के लगा दिए भाई, वो सुन नहीं रहा मेरी बात, कि मिक्सी चल रही है, हाँ बताइए, मान लिया मेरी जो प्रॉब्लम है वो एक है, अब तूने ये जो आप बता रहे हैं, देखिए जो ये जो आप बता रहे हैं, चल रही है सर, पूरी मिक्सी चल रही है, पूरी पूरी मिक्सी चल रही है, आवाज नहीं आ रही, मैं फोन कर रहा हूं, छोटू है कि ये आवाज नहीं आ रही, हेलो कर रहा हूं मैं, हेलो मिक्सी बंद कर छोटू, सर ने फोन ही काट दिया, बन गया इनकी जिंदगी मिक्सर, हेलो हेलो गगन जी, हाँ जी गगन जी, प्रभाकर बोल रहा हूँ, मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ, मेरी बात हुई थी विनय से, वो ये बता रहे थे आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं काफ़ी दिन से, ये पेंट वेंट को लेके स्टूडियो में करा रहे थे आप, तो क्या कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है क्या? अरे साहब जी मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा कौन सा पेंट कराऊँ क्या करूँ, मतलब नहीं आप कंफ्यूज होने की बात नहीं है ना, मेरे को भी बताया, मैंने कहा वो 15 दिन से वो बता रहा था विनय के 15 दिन से डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा कलर करूं, मैंने कहा यार हम हेल्प कर देते हैं ना, कंफ्यूजन की क्या बात है, आप मेरे को बताओ कौन से कलर चूज कर रहे हो आप अभी? मैं सोच रहा था अगर ब्लू करता हूं तो कैसा रहेगा? ब्लू करते हो तो फ्लोरिंग कौन सी है आपकी? जी फ्लोरिंग मेरी ऑफ वाइट की है, ऑफ वाइट फ्लोरिंग है आपकी, ब्लू आपने सोचा, एक तो ये ऑप्शन में सोचा है, दूसरा कौन सा सोचा है ब्लू के अलावा? मैं सोच रहा था लाइट ग्रीन। तो गगन जी इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, दो मिनट में फाइनल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने एज ए आर्ट डायरेक्टर भी काम किया है, आप ना लाइट ग्रीन रखो, क्योंकि आपने फ्लोरिंग मेरे को बताई है क्रीम कलर की कुछ ऑफ वाइट है ना, लाइट ग्रीन का क्या होता है, लाइट ग्रीन का शेड आता है अच्छा, उससे ना मिक्स बड़ा अच्छा लगता है, लाइट ग्रीन रखो आप। अरे भाई साहब थैंक यू, आप कंफ्यूजन दूर हो गया, बहुत दिनों सोच रहा था, कोई वो लाइट ग्रीन ही है, लाइट ग्रीन ही होना चाहिए, जब आप फ्लोरिंग बता रहे हो मेरे को ऑफ वाइट, लाइट ग्रीन ही कर लो आप, ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, बढ़िया रहेगा। एक सेकंड रुकिए, अगर लाइट ग्रीन करते हैं तो साला सीलिंग का शेड आएगा ना ऊपर, लाइट ग्रीन नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, लाइट ग्रीन नहीं जाएगा क्योंकि सीलिंग का शेड आता है,
अगर आप मिक्स करते हो ना ऑफ वाइट और लाइट ग्रीन को, तो सीलिंग पे शेड जाता है फिर। आप एक काम करो ना, दूसरा ऑप्शन क्या बताया था आपने, ब्लू। जी, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ब्लू करो ना आप, ब्लू करो। क्योंकि देखो आपने बताया फ्लोरिंग का जो शेड है वो ऑफ वाइट है, ब्लू का क्या होता है, अच्छा मर्जर होता है, हमेशा याद रखना आप। ये भी ठीक है, ये ठीक, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आप बेकार में परेशान बैठे थे, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, आप ब्लू कर दो इसको, ठीक है ना जी। ठीक है, मैं कारीगर को फोन करता हूँ, ब्लू ही फाइनल कर दे। आप बोलो कारीगर को, उसको बोल दो जल्दी कर दे, बहुत प्यारा लगेगा ब्लू पे, बहुत प्यारा। मैं अभी दे देता हूँ उसको। एक सेकंड नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए, कारीगर को मत बोलिए, अगर ब्लू करते हैं और आपने ऑफ वाइट बताया, ना 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 ना, मजा नहीं आएगा। एक काम करो, हैं आप इसमें येलोइश टोन रख सकते हो, येलो। हाँ मैं बताता हूँ येलो से क्या होता है, येलो का ना अच्छा मिक्सर भी बैठता है, लेकिन आप स्टूडियो में कभी भी आप अगर शूट भी करोगे ना, तो येलो ऑफ वाइट बहुत बढ़िया जाता है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, येलो कर दीजिए। हाँ येलो उसको बोल दो आप कारीगर को, येलो करने के लिए। ठीक है, मैं येलो के लिए फाइनल कर दूँ। एक सेकंड येलो अगर आप डबल कैमरा पे कर रहे हो तो येलो की ना टोन आती है गलत। एक सेकंड रुको, मेरे को सोचने दो थोड़ा, येलो तो ठीक नहीं रहेगा। आप इसमें हल्का ग्रीनिश रखोगे, हल्का ग्रीनिश फाइनल है, क्योंकि मैं बताता हूँ ना हल्के ग्रीनिश में क्या होता है, हल्के ग्रीनिश में अगर ऑफ वाइट टोन है ना, इतनी प्यारी, मैंने कई वीडियो निकाले हैं, हल्का ग्रीनिश कर लो आप लेकिन अब नहीं। अरे आप कंफ्यूज मत हो यार, ये कंफ्यूजन है ना, ये काम बिगाड़ता है, आप कंफ्यूज मत, आप कारीगर को बोलो हल्का ग्रीनिश, ठीक है बोलो। ठीक है मैं इसको प्लीज चेंज मत करिएगा, मैं बोल देता हूँ। नहीं एक सेकंड रुको, फोन तो नहीं किया अभी कारीगर को आपने? नहीं। आप एक काम करो, आप इसमें ग्रेइश टोन रखो, ग्रेइश, क्योंकि ग्रेइश का क्या है, हाँ ग्रेइश करो इसमें। अरे पागल तो नहीं हो गया, खुद कर लो यार जो करना है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, आप जैसे अपना काम करवाना नहीं होता, कंफ्यूज बैठे हो, मेरे खुद कंफ्यूज कर दिया यार, मैं रख रहा हूँ, मैं फोन रख रहा हूँ भाई। हेलो जी, हाँ जी, मैं स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी, आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई स्पीक इन हिंदी जी? हाँ आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश आल्सो, आई कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे, बोलिए। बोलिए, नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। आप तीन लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए, हाउ वाज द फूड, कैसा था भोजन, आपको खाना कैसा लगा? हाँ खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, मेंबरशिप वाला? हाँ जी भरा है। हेलो, जस्ट दो मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भैया। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। हाँ बहुत बढ़िया, और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं मेल फीमेल वाला पूछ, क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं एक बार कंफर्म करना अच्छा होता है ना, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, सो मैं पूछ रहा था आप प्योर वेज हैं जी? हाँ बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉन वेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं बस मैं एग खा लेता हूँ और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज प्योर वेज है लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। हाँ। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया है? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। तो घर पे बनता है वेजिटेरियन? नहीं घर पे नहीं बनता, क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं, प्योर वेज हैं लेकिन? बिल्कुल हाँ, वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्त लोग कर देते हैं पीने के लिए और पीने बैठते हैं तो। तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं बुधवार शुक्रवार और रविवार को खा लेता हूँ। खा लेते हैं मंगलवार शनिवार? नहीं छूटे तक नहीं है ना इन तीन दिन? नहीं तो मैं वही नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं केक वाला खा लेते हैं, लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं, और ये सब बाहर खाते हैं, जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं, वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी हाँ, है ना, ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए आजकल बरसात होने वाली है थोड़ा जल्दी, थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारे देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? गलत आजकल। हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे खुद को, हंसे
फोन रख अंडा खाता है केक में खाता है तड़ी। हेलो खंबे गिरेंगे पता है ना, मैं खंबे तेरे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो भाई IFFCO Tokyo General Insurance and Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one, bear on that, run that. Morning number one, bear on that. Morning number one, bear on that, run that. Morning number one, bear. एक बार फिर बजाओ। किसी ने अभी अभी ये शेर भेजा था, अभी नहीं थोड़े टाइम पहले भेजा था कि पूरी दुनिया बदल दूंगा ऐ खुदा, बस रजाई से निकलने की हिम्मत दे दे। और सुबह सुबह सर्दी में आदमी रजाई में उठने का जो कष्ट कर रहा होता है, उसी टाइम अगर आप किसी को फोन करके मजे ले लो तो भाई भड़क जाते हैं। ऐसे एक भाई साहब को बहुआ ने फोन लगाया, क्या कैसे? ये जरा सुनिए अंकल नमस्ते। हेलो। हेलो जी नमस्ते अंकल। नमस्ते। कौन? सॉरी मैं बहुआ बोल रहा था, दो मिनट चाहिए था। सॉरी भैया रॉन्ग नंबर है। क्या रॉन्ग नंबर? एक सेकंड। हेलो। हेलो भाई साहब, मेरी गलती से फोन कट गया था, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। भैया मैंने काटा था आपसे। सॉरी मैं बहुआ बोल रहा था, आपसे दो मिनट चाहिए था। बता जल्दी बता। अगर सचमुच एक बार में सुन के आप इस सवाल का जवाब दे दो प्लीज। आई नो नींद में हो, प्लीज एक बार। 2+5 7 +3 10 -3 7 +4 11 +3 14 +3 17 -7 10 -9 1 -1 0 +6 6 +18 24 +7 31 -3 28 -7 बंद कर दे ओ मास्टर अंगारे बटकियोलाद। सर आप गंदा बोल रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा। लोलम सवाल बता। लोलम क्या? जो 28 हो गया आंसर बता। एक मैं 28 क्या जवाब दे रहे? सवाल तो सुनिए, सवाल ये है कि भजिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तेरे गंडा नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं। हाँ ये बस करिए, 28 बोल रहे, ध्यान से सुनना नहीं ना आपने। साले तेरे तेरे सोच के तेरे में दे दूंगा। नहीं कर सकते। एक मिनट, एक लास्ट पूछता हूँ, इतना सहली है तो एक लास्ट। ये मैंने ऑलरेडी किसी को पूछा था बट आपको रिपीट एक बार प्लीज। हेलो। एक पेड़ पे 6 चिड़िया बैठी है, शिकारी आया बंदूक चलाया लेकिन सिर्फ 5 चिड़िया उड़ी, एक क्यों नहीं? तू बता भाई, मर गई होगी? नहीं। तो बस नहीं उड़ी, नखरे हैं मैडम के। चल एंड में तू हंस दिया ना, अंत भला तो सब भला। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद IFFCO Tokyo General Insurance। हेलो। नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? जी मैं पूछ रहा था, पोपटलाल है? कौन पोपटलाल? नहीं पोपटलाल है क्या? कौन पोपटलाल भाई, गलत नंबर मिला दिया। हेलो आपसे। हेलो। सॉरी भाई साहब, गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? अभी फोन किया था ना, पोपटलाल हैं भाई, गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं हेलो। हेलो पोपटलाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से हेलो। हेलो भाई साहब, बहुआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना, एक बार नहीं है कोई बहुआ? नहीं नहीं बहुआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। मना कर दिया ना, बहुआ नहीं। हेलो यार आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी फोन में घुस के मारूंगा तेरा, लाल कर दूंगा फोन का। क्यों लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी गलत नहीं है वो बोला। एक से मैं बहुआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो भाई साहब, तेरी आप क्यों लेकिन मेरे इत्मीनान से दो मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपटलाल है, पोपटलाल है, आप बोल ही नहीं रहे। एक मिनट इत्मीनान। पोपटलाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा बोल। नहीं क्या पोपटलाल है? हाँ मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। तो एक सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपटलाल है। झूठ का बोला? पोपटलाल ही बोल रहा हूँ मैं। पोपटलाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपटलाल है फिर?
चल तेरी गलत गंदा बोल रहा है वो, बुला ले नहीं वो बैठा रहा है। ओके भाई। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अंकिल बउआ बोल रहा था जी। कौन, क्या काम है बताइए? दो मिनट चाहिए था जी। पहचाना नहीं मैं, कौन? अभी तो बताया बउआ। अरे बउआ तो, पर मैं बताइए काम क्या है आपको? मैं कह रहा था क्या हो गया भाई साहब? सॉरी, ये किसी ने भेजा है वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है? नहीं, पुराने नोकिया फोन में है। बता तुझे काम क्या है? तो व्हाट्सएप भी आया था भाई साहब, मैं सोचा आपको भी पूछूं, शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना जल्दी पूछ। सॉरी, बोल बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था। अच्छा, फिर उसके सामने 11 केले रखे थे, तो उसने 10 ही खाए, एक नहीं खाया, बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा हो उसका भाई, पेट भरा हुआ। ना ना ना, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? एक सेकंड, एक बार फिर एक हाथी था और फिर उसके सामने 11 केले थे। अच्छा, और इस बार उसने 11 के 11 नहीं खाए, बताओ क्यों? बस सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। एक सेकंड, इस बार एक बार वापस, फिर एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे। अच्छा, 11 ठीक है। अच्छा, फिर भी उसने नहीं खाया, बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा होगा उसका, नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे दे भाई सही। केले टीवी में थे ना, हाथी बाहर। केले और हाथी दोनों डाले, प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकंड रुकिए, इस बार सुनो, इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों टीवी पे भी थे, फिर भी वो केले नहीं खाया गया था। तो अब मैं ही बताता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए, बता क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। देखो कायदे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहे हैं। अच्छा, तो ना फॉरवर्ड करूँ तेरे को मैं? ना फॉरवर्ड करेगा क्या? ओह माय गॉड, ची बोल के काटा। हेलो, हेलो, बड़ी ट्रैफिक की आवाज आ रही है भैया जी। नमस्ते। हाँ, कौन जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ। मैं कह रहा था आप खाली हो? बता भाई क्या हुआ? नहीं, खाली हो क्या? हाँ खाली हूँ, बता। यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। क्या आप खाली हो? समझा नहीं भाई। आप खाली हो ना? हाँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी खाली बैठा रहता है, उल जुलूल की बातें सोचता है, किसी के बारे में मन में जलन पैदा होती है, जिसके बारे में जलन पैदा होती है उससे फाइट करने का मन होता है। आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ। हाँ, उससे फाइट करने का मन होता है। अब फाइट कर तो पाओगे नहीं, मन ही मन जलते रहोगे। ज्यादा जलन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, जान जा सकती है। और हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। और अगर उसी आदमी जिससे जल रहे हो उससे लड़ने का मौका मिल जाए तो हो सकता है तुम्हारी पिटाई हो जाए, और ज्यादा पिटाई हो जाए, सर पे घाव लग जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो खाली बैठे हो, जान जाने का कचरे कोई काम क्यों नहीं करते यार? चल। हेलो हेलो, गलत मत बोलो, खाली हो, काम करो। हेलो, निगम बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं सुरभि बात कर रही थी जी। ये नंबर आप यूज कर रहे हैं? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, वैसे उसके नाम पे है। अच्छा, नंबर उसके नाम पे है। हाँ। तो जो की बात थी जो उससे करूँ? मुझे बता दीजिए, बता दूंगा। नहीं, यूज तो आप ही कर रहे हैं ना? हाँ। तो मैं आप ही को बोल देती हूँ। ठीक है। तो अभी खाली हैं आप? हाँ हूँ। क्या खाली हैं? हाँ खाली बैठा हूँ, बताओ। तेरे को बोला था ना, खाली बैठेगा तो जान जा सकती है। तेरी तोड़ूंगा ना मैं, खुद तो कोई काम नहीं है मेरे को, परेशान कर रहा है। तेरे को बोला था मैं खाली मत बैठना, काम कर ले। राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अभी से वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं।
हेलो हेलो नमस्ते अंकल। अंकल अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। नहीं मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं, में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरे नाम बहू है, सुनिए तो। हाँ बोलो। काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी पकड़े। हाँ पकड़ रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है। गाने में शब्द पकड़ा? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ कुक हाँ कुक गिनना है, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है? हाँ जी एक चलो। अरे मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल कर दो, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कहाँ मैं तो रोक दिया। हेलो बज कहाँ डे जो 28-29 स्टार्ट आठा जा। तूने रोका क्यों? नौटंकी आप थोड़े ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरे मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना, दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है? और बीच में मत रोकियो, नहीं रोकूंगा पक। सॉरी सुनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
बोला ये चुप कट गई 62 63 3। हेलो एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन नहीं एक सेकंड मैं आगे तेरे को जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले मैं ध्यान लगा के कर रहा था, एक गिन दी एक गलत बात नहीं हो एक बात काउंट कर दो तो 3 4 5 6 7 छोड़ छोड़ दो अंकल आपसे नहीं होगा बहुआ बोले काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। अबे रख दे जा दिमाग क्या कर साला एक समय नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक कर रहे हो कुक कर दी बहुआ भैया रख दो अंकल बाय। वैसे ये टॉपिक इतने लोग इतनी दफे दे चुके हैं कि अब पब्लिक डिमांड पर करना ही पड़ा कि भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बहुआ ने मजे के इसीलिए सुनते हैं। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो व्यस्त होने के कारण। हेलो हाँ जी आपकी आवाज सुन के लग रहा नंबर व्यस्त नहीं नंबर मस्त था। जी है कौन आपको किससे बात कर रही जी लेडीज। हेलो मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आपने कहीं गलत जगह नंबर डायल किया। आप सुनिए तो लेडीज मैं कह रहा था लेकिन मैं आपसे क्यों बात करूँ मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। नहीं तो मुझे चिड़ियाघर का पता बता दीजिए मेहमान आने वाले उनके लिए चाय बनाना अर्जेंट प्लीज। हेलो फोन काट रही है आप सो रूड ऑफ यू। आपको कोई काम है आपको कोई बात करनी मैं है मैं कह रहा था चिड़ियाघर बताइए मेहमान आते होंगे चाय बनाना है। चिड़ियाघर जाना क्यों है चाय बनाने के लिए आप बता क्या है चाय का कौन तो जो सॉरी। आप बताइए चाय कैसे बनती है। पैन में लीजिए पानी उबालिए ठीक है चाय पत्ती डालिए चीनी डालिए दूध डालिए और उबलने के बाद छान के गेस्ट को दे दीजिए। हाँ गेस्ट को दे दीजिए गैस तो जला ही नहीं उबलेगी कैसे लेडीज। गैस चलानी भी मैं बताऊंगी क्या गैस उठाओ और गैस जलाइए। लेकिन एक चीज इस चाय में अभी पड़नी बाकी है जिसके वजह से मुझे चिड़ियाघर जाना पड़ रहा है सोचिए क्या। इलायची बड़ा इलायची नहीं नहीं हजारों साल पहले आपके पूर्वज क्या थे। हमारे पूर्वज क्या थे मतलब इतिहास में पढ़ा है बंदर थे। What do you mean to, आपने फोन क्यों नहीं मैं कह रहा हूँ कि पूर्वज बंदर थे और उस बंदर के वजह से मैं चिड़ियाघर जाऊंगा। चाय का बंदर से क्या लेना देना मैं कह रहा हूँ बंदर के जन अदरक का स्वाद सुना आपने। I get you. What get you? उसको अदरक का स्वाद पता नहीं है इसलिए अदरक उसके लिए यूजलेस है। तो मैं उधर जाऊंगा उससे अदरक लूंगा घर जाऊंगा चाय बनाऊंगा मेहमान को पिलाऊंगा बात खलास। मुझे आपके जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। दे आपने देखा पैदा हुए आप पैदा छोड़ो आपने अभी तक देखा ही कहाँ है। और हेलो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेडीज मैं पैदा नहीं हुआ हूँ समझी डाउनलोड हुआ हूँ डाउनलोड। I'm sorry, I can't talk to you. No, please. I don't have time. Hello.